बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाला आले मोहम्मद। शाह जंजानी, काशाना जंजानी, रावलपिंडी से आपसे मुखातिब हूँ। अगस्त का महीना है, बहुत प्यारा महीना है, पाकिस्तान की यौम आज़ादी का महीना है। और इस महीने में बड़े अहम वाक़ियात हुए हमारे पड़ोसी मुल्क में, अफगानिस्तान में भी जनाब 15 अगस्त को यानी तालिबान ने काबुल फतह किया, और हमारे बिरादर जो मुल्क हैं, मुसलमान मुल्क हैं, उनमें भी बड़ी ख़ास तौर पर मुहर्रम के हवाले से एक आज़ादारी का माहौल रहा। पाकिस्तान जो है ये भी जनाब 15 अगस्त को, और हिंदुस्तान भी 15 अगस्त को आज़ाद हुआ। यकीनन हम बनाते हैं इसकी 14 अगस्त को, लेकिन ये 15 अगस्त का एक ट्रायंगल बन गया। पाकिस्तान आज़ाद 15 अगस्त, हिंदुस्तान आज़ाद 15 अगस्त, और काबुल को जनाब फतह किया है। तो अब आइंदा का फ्यूचर क्या होगा, हम अपनी जंजानी जयंती 2022 की आजकल तैयारी कर रहे हैं, और इंशाल्लाह ताला अगले माह मार्केट में आ जाएगी। और यकीनन इससे हम इंटरनेशनल जो पेशगोइयाँ हैं वो करते रहते हैं, 100% तो अल्लाह ताला की ज़ात है, लेकिन हमें बड़ा हौसला होता है साल के बाद जब हमारी पेशगोइयाँ करीब तरीन दुरुस्त होती हैं। और उसके बाद अगस्त का रिसाला दस्तियाब है मार्केट में, आप हार्ड कापी लेकर पढ़ सकते हैं, वरना जो जो नीचे नंबर आ रहा है इस पर आप मैसेज करके इसकी PDF फाइल दुनिया में कहीं भी हो आप तो वतन मंगवा सकते हैं। ये शुमारा बड़ा ख़ास शुमारा है, इसमें आज़ादारी और ख़ास तौर पर पाकिस्तान के बारे में बड़ी इम्पॉर्टेंट मालूमात हैं, और एक बड़ा तहकीकी आर्टिकल है पाकिस्तान के बारे में यौम आज़ादी के हवाले से। ये 7 सफ़े का आर्टिकल है, ये मुझे लिखते हुए कम अज़ कम कोई 1 महीना लग गया था। बहरहाल आप इसे पढ़िएगा और इन्जॉय कीजिएगा, और हमारी जो काफ़ी हैं ख़ास तौर पर जो इस इल्म नजूम है और तालिब इल्म जो हैं उनके लिए बड़ा एक मुफीद किस्म का ये मैगज़ीन है। और तोहतल फाइल इसकी PDF मंगवा के पढ़ सकते हैं। और याद रहे कि मेरा जो क्याम है 21, 22, 23, 24, 25 से रावलपिंडी रहेगा। वो बहन भाई जो अपने किसी भी रूहानी मुशावरत के सिलसिले में मुझसे मिलना चाहते हैं तो वो टाइम लेके मिल सकते हैं। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात का सिलसिला जारी रहेगा।